वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटन का सालन, मटन की करी बनाना सिखा रही हूँ। मटन, आलू, टमाटर और प्याज। देखिए, ये पोटैटो है, आलू है, जो मैंने इस तरह से छिलकर टुकड़े कर लिए है अच्छे से धोकर। उसके बाद में ये टोमेटो को उसी साइज़ के कट कर लिया है। ये गोश्त को बॉईल करके रखा है। ये मीट है, बकरे का गोश्त है, जिसे कुकर में नहीं डाला है, इसे मैंने इस तरह से बना लिया है। देखिए, और ये पानी रखा है इसके अंदर। और ये हड्डी का गोश है, क्योंकि अपने को सिंपल बनाना है, इसमें दही नहीं होगा, ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं होंगे। और ये प्याज को जिस तरह से हम आमलेट बनाते उस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए, मसालों में है, ये है धनिया पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च आप तेज़ खाते हैं तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा लीजिए। हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी है, या अदरक लहसुन है 1 टीस्पून, आप है तो पीस कर लीजिए या कूट कर, मैंने कूट कर लिया है। और ये ऑयल और ये ज़ीरा है। अब हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, ये पैन में हम पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म करना है, अच्छे से गर्म होने के बाद में उसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। अच्छा, देखिए, ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। आपको अगर ज़ीरा नहीं चाहिए तो आप नहीं डालिए। ये ज़ीरा डाल दिए, ज़ीरा देखिए तड़तड़ हो गया। इसमें अब हम इस आलू को भून लेंगे। आलू को भूनना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आलू को भूनने के लिए थोड़ा नमक डालिए आप, हर चीज़ में है तो थोड़ा नमक तेल में डाल दिया करें। जब प्याज भूनना है, वो आलू को पहले हम लोग इस तरह से तल लेंगे इसमें। अब हम ये इसमें ये प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से हिला लीजिए। प्याज हिलाने के बाद इसी में अदरक लहसुन अभी डाल दीजिए, साथ में ही डाल दीजिए। तो हमें एकदम लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा नरम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब प्याज और आलू जो है अब साथ में ये तले जाएंगे, भुने जाएंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसी इसको साइड में कर लीजिए और आप ये हल्दी डाल दीजिए। अब हल्दी, ये मिर्च, ये गरम मसाला और ये धनिया, इसको अब मिक्स कर लीजिए अच्छे से। टोमेटो अभी नहीं डालने हैं, टोमेटो हम बाद में डालेंगे। अब ये मैं इसमें गोश्त पानी के साथ में डाल दिए, जो उसके अंदर उसका जूस बना हुआ था, सूप बना हुआ था, उसको ये डाल दिया। टोमेटो अभी नहीं डालना है, क्योंकि टोमेटो का हमें मसाला नहीं करना है। इसको थोड़ा अच्छे से होने देंगे। ऑलरेडी हमारे आलू भी नरम हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं। 1-5 मिनट आप धीमी आँच पे इसको रख दीजिए और उसके बाद इसमें टोमेटो डाल दीजिए। देखिए, अब ये इतना अच्छा हो चुका है, देखिए इतना अच्छा सा। अब इसमें हम टोमेटो डाल देंगे। टोमेटो को ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस गल जाना चाहिए बस टोमेटो इसी तरह से। और फिर आप इसमें इसको 1-2 मिनट इस तरह से करके, उसके बाद जितना पानी चाहिए आपको उतना पानी आप डालकर इसे ढाँप दीजिए। और फिर हरे धनिया से इसको ऊपर से हरा धनिया डालकर गरम गरम परोसिए। ये देखिए, आपका तैयार हो चुका है। कितना प्यारा और कितना स्वादिष्ट, इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी होगा। देखिए, और सच में इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप अगर गाढ़ा करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं, तो इसमें आप दही का इस्तेमाल करिए, यह बहुत ही अच्छा है। अब ये इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और आप इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। नमक जो है आपको अंदाज़ा, हर किसी को खाना बनाने वाले को अंदाज़ा आ जाता। अगर नहीं भी है, फर्स्ट टाइम बनाने वाले भी, तो कोई मुश्किल नहीं, एक कॉन्फिडेंस के साथ में खाना बनाना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा खाना कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखिए फाइनल, ये मेरा फाइनल हो चुका है। अब ये इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए। ये देखिए, देखिए लग तो रहा है टेस्टी हुआ, इंशाल्लाह ताला। शेयर करिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और कुछ आप अपना सजेशन भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।